जिना की छबी, जिसे घोड़े की छबी कहते हैं तो जुलजिना की छबी। अरे कहाँ का शिर्क और कहाँ की बिदत, ये तो कुछ यादें हैं। और बखुदा हमने फकत इंसानों की याद नहीं कायम की है, बल्कि हैवान भी अगर हमारे मौला के काम आया। तो ये हक शनासी है कि हम उसकी भी याद कायम रखते हैं। भाई याद का जरिया है, यूं जाहिल अवाम हद से बहुत जाए वो गलत है, लेकिन ये कि असल में तो एक याद है, जिस याद को हम इस शक्ल में मजलिस के अंदर ताजा करते हैं, उसके हक को अदा करना। तो इसने जो कारनामा करबला में किया, और यह फरस की फरासत मशहूर है, खुसूसन वो फरस जो करबला के ऐसे जिहाद के लिए मुंतखब किया गया। तो जब तक मौला पुश्त पर रहे, बराबर शरीके जिहादे मौला रहा। अब जब उसने देखा कि अब मैं अपने राकिब की कोई खिदमत नहीं कर सकता, तो आखिरी खिदमत जो अंजाम दी वो ये कि अगर कोई मैदान में होता, और इसीलिए मैं उस रिवायत को नहीं कबूल करता, साफ साफ कहता हूं कि कोई बीबी हुसैन की जिंदगी में खेमे के बाहर थी, अगर कोई बीबी होती तो जुलजिना को खेमे के दरवाजे पर जाने की जरूरत न थी। बीबियां तो जहां हुसैन बिठा गए बैठी थी। बस आखिरी काम ये जो किया कि इधर देखा उधर देखा, कोई तो नजर ना आया, तो पेशानी खूने हुसैन से रंगीन की, और अब सीधा दरे खेमा पर गया। और बस दो जुमले उसी वक्त एक आवाज बुलंद की, आप सुना करते मगर नतीजा नहीं निकालते, खेमे के दरवाजे पर भी कोई भवा नहीं आया। सकीना खेमे के दरवाजे पर आई, देखा आगे घटी हुई है, तीन ढुला हुआ है, जब तीन पेवस है समझ गई खेमे के अंदर, अरे मेरे बाबा के।